और स्वप्न में भी किसी के पदार्थ की इच्छा नहीं। मैं तुम आपके सामने बैठा हूं, मैंने कभी किसी की एक सुई कहते ना एक निडर उसका भी चोरी नहीं की, तो मेरे को संतुष्टि रहती है। ऐसे ही हम सब अपने बच्चों को बचपन से सिखा सकते हैं। जैसे मुझे संतुष्टि है कि मैंने जिंदगी में हिंसा नहीं की, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, किसी माँ बहन बेटी को गलत निगाहों से नहीं देखा, अब्रह्मचर्य नहीं किया, अपरिग्रह का पालन किया, ऐसी कर सकते हैं। ये ऐसे असंभव बातें नहीं। शौच सुचिता से जीवन को जिया, शरीर की सुचिता, इंद्रियों की, मन की, तन की, धन की, जीवन की सुचिता। शौच बड़ा शब्द है, प्योरिटी, प्योरिटी बॉडी की, प्योरिटी माइंड की, प्योरिटी हमारी मनी की, प्योरिटी बिजनेस की, प्योरिटी रिलेशनशिप की, प्योरिटी, इसको शौच बोलते हैं। शौच संतोष, जो पूर्ण पुरुषार्थ के जो भगवान ने दिया उस पर खुश रहना। मेरे परमात्मा ने मेरी औकात से मुझे हजार लाख करोड़ गुना ज्यादा दिया है, क्यों असंतोष करूं? तुम भी सोचो तुम्हारे पास क्या था, जो पुराने पुराने बैठे पांच पांच डॉलर लेकर के आए थे, इतना परमात्मा ने दे दिया, मस्त रहो ना। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना, खूब पुरुषार्थ करो, लेकिन असंतोष नहीं। ये 24 घंटा सुखी रहोगे 10 चीजें करोगे सब संतोष, तब सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय होने वाले। ठीक है, मस्त रहो, क्या है, होने दो, अपना आपा तो अपने पास है ना, मेरा मुझसे कुछ नहीं छीन सकता कोई। और ये शरीर भी छिन गया तो फिर भगवान देंगे, किसी ने मेरा नुकसान कर दिया तो कंपनसेट भी करेंगे, कंपनसेशन। हाँ, भगवान जो है वो क्षतिपूर्ति करते, कंपनसेशन करते भगवान, क्या दिक्कत है, कोई दूसरा भी कर दे तो भी परेशान नहीं। तब स्वाध्याय, अपनी चेतना में बने रहना, और जो करो भगवान को ही क्रेडिट देना कि सब कुछ भगवान दे रहा है और ये सत्य है। मस्तिष्क में ज्ञान कौन दे रहा है? परमात्मा। हृदय में प्रेरणा, निष्ठा, प्रेम भगवान, करने की शक्ति परमात्मा दे रहा है। आई एम नथिंग, गॉड इज एवरीथिंग, गॉड इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, गॉड इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। सो फिर क्या है, सब भगवान का, तो मैं क्या हूं? मैं तो निमित्त मात्र भव सभ्य साचि, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है।
चैरिटी के लिए होगा किसी के व्यक्तिगत ट्रांसफरिटी भगवान ने दिया तो फिर अपना क्यों मानते हो भाई? ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि उसकी सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। अच्छा जब सब कुछ भगवान का है तो फिर अपना मानते क्यों? हम सब कुछ कर रहे हैं। लोग बोलते थे सन्यासी को कुछ नहीं करना चाहिए, हमने कहा सब कुछ कर रहे हैं लेकिन किसके लिए कर रहे? भगवान के लिए कर रहे हैं। ये बोले बाबा करते क्यों? मैंने कहा किए बिना रहा नहीं जाता इसलिए करते हैं, और बुरा कर नहीं सकते इसलिए अच्छा करते हैं। जब कोई दुनिया में आदमी है तो कहता हो कि मैं कुछ नहीं करता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं कस्य क्षणम अपि जातो तिष्ठति अकर्म कृत, बिना कर्म के कोई रह ही नहीं सकता। दुनिया की सबसे बड़ी तीन प्रॉब्लम है इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन एंड रिएक्शन। आप कहीं प्रॉब्लम ना बन जाओ बताना जरा क्या क्या है? इनएक्शन, रोंग एक्शन है। तो आज सब संकल्प करके जाओ कि आज के बाद हम कभी भी इनएक्शन में, जोर से बोलो, नहीं करेंगे। रोंग एक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन भी नहीं करेंगे। सुबह से हम करते हो बदनी के साथ बच्चों। रिएक्शन, रिएक्शन खत्म हो जाए तो घर तो सर बन जाए। अगर कभी गड़बड़ हो जाए ना तो तुरंत वापस लौट जाएगा। हम कभी कभी ना ऊपर चढ़ के जब तक पूरे चकनाचूर नहीं हो जाते तब तक वापस लौटते ही नहीं, पूरा बच्चा बच्चा होके पूरा एक दूसरे को रगड़ के और फिर कहते हैं वापस लौटते नहीं, कहते हैं अजी माफ कर देना मैं आपकी हूं, मैं आपसे प्रेम तो बहुत करती हूँ और प्रेम में तो गुस्सा होता ही है ना, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? प्रेम में गुस्सा होता है, मतलब नए शास्त्र बना लेते हैं। ऐसा बोलेंगे जब प्रेम होता है वहां झगड़ा तो होता ही है जी, अरे कहाँ है? अच्छा बताओ ये आज बैठे हुए शेखर से लेके दुर्गा जी से लेके हमारे सारे सारे ट्रस्टी बैठे हैं, ब्रज जी, गोविंद जी, माता हमारी, सब बहने, कितने भाई बैठे। अच्छा मैंने किसी से मैंने आज तक झगड़ा किया? बोलो बोलो तो ए जुगल तेरे साथ किया? किसी के साथ मैंने झगड़ा किया? इसका कौन फिर इसका मतलब मैं प्रेम नहीं करता क्या? तब जब मैं बिना क्यों जी इंदिरा माता बिना झगड़ा किए जब मैं प्रेम कर सकता हूं ऐसे आप सब भी प्रेम कर सकते हो।
झगड़े में तो प्रेम खत्म हो जाता है, बहुत कष्ट होता है झगड़ा करके, शरीर में जहर घुल जाता है, जिस्म में दिमाग में जहर घुल जाता है। जब आप एंगर करते हो ना तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच ये सब बढ़ जाते हैं और तुम्हारी उम्र घट जाती है। जो झगड़ा करेंगे जल्दी मरेंगे, सुन लो, तुम झगड़ा करके अपनी उम्र कम करते हो, अपनी पति की उम्र कम करते हो, ऐसे तो करवा चौथ का व्रत करेंगे। और कुछ पति तो पत्नियों के से इतना खूब खाते हैं, नहीं थोड़ा मजाक में, थोड़ा कभी कभी ना मेरा थोड़ा हंसने का स्वभाव है। सुनो, एंगर करने से तुम्हारा लाइफ कम होता है, एंगर करने से तुम्हारा हार्ट वीक होता है, एंगर करने से डायबिटीज बढ़ता है, एंगर करने से बीपी बढ़ता है, और एंगर करने से तुम्हारा पेट बढ़ता है। जिनका पेट बड़ा हुआ है इसका मतलब वो गुस्सा करते हैं, जिनका बीपी बड़ा हुआ है इसका मतलब गुस्सा करते हैं, जिनका शुगर बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, जिनकी एसिडिटी बढ़ी हुई है, गुस्सा करने से एसिडिटी बढ़ती है। सच्ची बात बता रहा हूं, मजाक में मत लेना, नहीं तो डॉक्टर जॉन से पूछ लेना। गुस्सा करने से एसिडिटी बढ़ती है। और मैं लाइव एग्जांपल, मेरे बीपी ठीक है, मेरा शुगर ठीक है, मेरा एसिडिटी ठीक का लेवल ठीक है, मेरा पेट का लेवल ठीक है, क्योंकि मैं गुस्सा नहीं करता और फिर मैं योग करता हूं। आपको ये तो हल्के वाला योग बताया ना, फिर सुबह उठ के ये भी किया। उनको गुस्सा
दूसरा करने से एक तो एसिड बढ़ जाता है और दूसरा लीवर पर असर पड़ता है। तो लीवर डैमेज होने से, एसिड बढ़ने से खुजली होती है, सोरासिस हो जाता है, फिर बाद में और इसके लिकोडर्मा और तमाम प्रॉब्लम होती है। ये आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आदमी गुस्सा करना छोड़ देना तो सच्ची वो धरती का देवता बन जाएगा। आज से सब संकल्प लेके जाओ, अब रामदेव को दक्षिणा दे के जाओ अपने गुस्से के। तुम अभी मेरे सामने इतने ऐसे बैठे हुए हो जैसे एकदम से स्वर्ग से देवता उतर के आए। इस समय तुम इतने अच्छे हो तो क्या ऐसे हमेशा नहीं रह सकते आप? आपको मैं हंसी हंसी में कुछ गहरी बात बता रहा हूं। मैंने तीन बातें बताई जो लाइफ के लिए बड़ी डेंजरस है। क्या है तीन बात बताइए? इनएक्शन, लॉन्ग एक्शन है। अच्छा मैं शास्त्रों की प्रमाण देता हूं। प्रमादो मृत्यु, बोलो। व्यक्तिगत जीवन की सबसे बड़ी समस्या है प्रमाद। प्रमाद व्यक्ति छोड़ दे तो आप दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह होंगे। आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं यदि आपने अपने आलस्य पर विजय पा ली तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। सुबह क्यों नहीं उठते जी? आलस्य आता है। योग क्यों नहीं करते जी? आलस्य आता है। पढ़ाई क्यों नहीं की पढ़ते समय? आलस्य आता था। फिर बिजनेस में मेहनत क्यों नहीं की? क्या करें, आलस्य आता है। घर में कहीं चम्मच, कहीं कटोरी, कहीं थाली, कहीं कच्छा, कहीं बनियान पड़ा और घर वाले मस्त पड़ी हुई। क्यों? आलस्य आता है। मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा घर नर्क बन जाएगा। मेहनत नहीं करोगे तो बिजनेस में सक्सेस नहीं होगी। मेहनत नहीं करोगे, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं बता ही देता हूं। पहली बार टीवी पर मन कर, तू बोला नहीं था। अब ये जो लोग ना, मैं वैसे फलित ज्योतिष, शनि की तुरा हो, भूत प्रेत, सब बकवास बातें, कुछ नहीं मानता। आज करो, अरे मैंने पहले सुना ये हिंदुस्तान में ना पाखंडी बहुत बढ़ गए थे और सारे पाखंडी अब मैंने सुना था अमरीका वाले पढ़े लिखे लोग होंगे, हर तरीके तुम तो महा पाखंडी, इतने कायर कमजोर पढ़े लिखे बेवकूफ, लिटरेट इडियट्स, पढ़े लिखे शनि केतु राहु भूत प्रेत बहका जाते तुम, कुछ बाखंड ले आएंगे, माला निकालेंगे, छिपा के रखते, मेरी तरह से नंगा होके फिर दिखाए, मेरी तरह से धोती पहन के और फिर उससे बोलो बाबा जी अब माला निकाल के दिखाओ, उनकी धोती बंधवा दो मेरी तरह से। अब देखो कुछ ना नीचे छिपा के रखते, कुछ इधर बगल में छिपा के रखते हैं, ये जितने भी जादू दिखाने वाले ना यहाँ तक के कपड़े पहनते हैं यहाँ तक, और फिर उसमें से कुछ इधर उधर से हेरा फेरी करके माला निकाल दे। अरे माला से क्या निकलना है, ये जादूगर का काम है, साधु संतो का काम है। जादू दिखाने वाला साधु सन्यासी हो ही नहीं सकता। मेरे को भी कहीं तो बोले बाबा जी आपको भी सिखा देते हैं, मैंने कहा बाजी करने बन जाता सेना। तो मेरे एक मित्र बोले, वो अभी तो शरीर नहीं रहा, स्वामी अमलान जी उनका नाम था, ये तो बात है 2300 साल पहले की, एक दिन ऐसे बैठे बैठे मैं रात दिखा, बोले समझे आपके हाथ में तो भाग्य रखे ही, अब अभी क्या हुआ, एक मेरे हमारे काफी करीब है, बोले बाबा जी मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूं, मैं बाबा जी तो एक बार आप अपना हाथ दिखा दो। तो अब ये हाथ देखने वाले इतने होशियार होते हैं, मैंने उसको मैंने कहा मैं क्या नहीं दिखाता, बोले बाबा जी वैसे तो टीवी पर आपके हमने हाथ देख रखे हैं, जब आप ध्यान मुद्रा लगाते हो तो हम आपके हाथ ही देखते हैं। तो ये जिनको थोड़ा इसका पता है, आजकल तो सब ज्योतिषी सबको बता देते, मेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, बनी नहीं, तो क्या मेरा भाग्य अच्छा नहीं है? मैंने तो लाखों करोड़ों के भाग्य अच्छे कर दिए। अरे मेरे कर्म अच्छे हैं ना, कर्म करो भाई, मेरे हाथ में भाग
भाग्य रेखा नहीं है, कोई भी देख सकता है जो थोड़ा बहुत भी ज्योतिष जानता हो, हैं? तो मैंने मैंने पुरुषार्थ को ही और परमार्थ को ही अपना धर्म मान लिया। आप लोग भी ये फालतू की पाखंड में मत पड़ो भाई, ये भी बकवास। और सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार, नहीं तो ये कर लेना।
ने बताया ना। पहले जवान बेटा बेटियां ऐसे करते थे, डायबिटीज है ना तो ये करना, आगे झुक के ऐसे और ऐसे, छोटी छोटी बात, कमर में दर्द है, टाइम क्या हो गया भाई, 9:30 बजने वाले हैं क्या, अच्छा ठीक फिर ऐसे किया करो जिनको कमर में दर्द है, ऐसे किया करो, ऐसे किया, इसे मोटापा भी कम होता, कमर में दर्द है तो ये भी कर लिया करो, बैठ के ये बेस्ट है बैठक के लिए। इसके 2-3 अभ्यास है, मरकट आसन बहुत अच्छे अच्छे मैं तुम्हें थोड़ा सा बताया। आज मैं सोच रहा था कि आपको जो मैंने जीवन में अनुभव किया वो सारा कुछ बता के चला जाऊं, लेकिन जब मैं बोलने लगता हूं तो एक एक विषय इतना गहरा है तो फिर उसमें एक के बाद दूसरा सत्य निकलता जाता है। अब मैं कुछ जीवन के बारे में बहुत गहरी बातें बताना चाहता हूं। आप जीवन को बहुत अच्छे से जीना चाहते हो तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बता रहा हूं, पहले हेल्थ के, छह घंटा सो, बच्चे 7-8-9 घंटा भी सो सकते हैं, छोटे बच्चे जिनकी उम्र ज्यादा है, वैसे तो ज्यादा उम्र वालों को तो नींद आती ही नहीं है, 6 घंटे से ज्यादा मत सो, और फिर 18 घंटा काम करो, जो आप बार बार करते हो वो आपका स्वभाव बन जाता है। अब इससे अगली बात, अब मैं एक एक वाक्य में लाइफ की एक एक फिलॉसफी कह रहा हूं, इसको गौर से सुनना और इतने धीरे से कहूंगा कि जो हमारे भाई हिंदी नहीं समझते उनको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं जो आपके पड़ोस में बैठे हैं। मनुष्य की 3 सबसे बड़ी और समस्या है, अभी तो मैंने बोला था इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन और रिएक्शन, 3 और समस्या है। एक है स्वभाव दोष, क्या बोलूं, जो कुछ हमारी जिंदगी में है वो हमारे स्वभाव से है। प्रैक्टिस एज लाइफ, लाइफ इज प्रैक्टिस, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। कैसे हम देखते हैं, कैसे हम सुनते हैं, कैसे हम खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम चलते हैं, कैसे हम बैठते हैं, सीधे बैठे बैठने का अभ्यास ठीक नहीं है तुम्हारा, सीधे बैठ, बैठने का भी सब अभ्यास होता है, ये अभ्यास है, स्वभाव है, बैठने अभ्यास और स्वभाव एक ही बात है, मामला में अभ्यास बोलते हैं, अभ्यास है? हमारे डॉक्टर सेन गुप्ता जी थे बेटे, अभ्यास, अभ्यास, स्वभाव, हॉबी, नेचर, घरों में भी बोलते हैं बहुत तो बहुत अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा करती है, सुंदर भी बहुत है, पढ़ी लिखी भी बहुत है, लेकिन थोड़ा स्वभाव खराब है। ऐसे आपस में
ऐसे बहू सास की कोई बात नहीं, ऐसे एक बात बता रहा हूं, हो सकता है किसी की बहू बहुत अच्छी हो, किसी की सास हो। अब मुझे आज तक ये नहीं बता रखा है सासू में गड़बड़ी है या बहू में है। चलो, गड़बड़ी ना सासू में है ना बहू में है, अभ्यास में है। किस में गड़बड़ी है? अभ्यास। मैंने बचपन से अपने अभ्यासों को अच्छा किया, मैंने नियम ले रखा है, सुबह जल्दी उठना है, योग करना है, कर्म मेहनत करनी है, और कभी कोई गड़बड़ हो भी जाए तो तुरंत वापस अपने स्वरूप में लौट जाना है। कभी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सब कुछ होगा तो तुरंत अपने स्वभाव में लौटने का अभ्यास, हमेशा हायर कॉन्शियस में, डिवाइन कॉन्शियस में, उच्च चेतना, दिव्य चेतना, आत्म चेतना, भगवत चेतना में, गुरु चेतना, ऋषि जैसी चेतना में जीने का अभ्यास। तो अभ्यास सबसे बड़ी गड़बड़ है, अभ्यासों की, स्वभाव की। मैं इसको स्पिरिचुअल लाइफ में देखता हूं, इंस्टीट्यूशनल लाइफ में देखता हूं, पॉलिटिकल लाइफ में देखता हूं, सोशल लाइफ में देखता हूं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है, क्योंकि आप स्वभाव ठीक नहीं, अभ्यास ठीक नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं इस समस्या को बहुत गहरे में अनुभव कर रहा हूं, इसीलिए मैंने अभी अपने जिंदगी का योग तो मेरा एक एक श्वास में बसा, और मैं जब तक जीवूंगा इस धरती को योग सिखाता रहूंगा, इस ब्रह्मांड को। लेकिन अभी मैंने अपने करीब ये समझ लो 100% अपने आप को केंद्रित कर दिया है एजुकेशन के ऊपर। मैं छोटे बच्चों को तैयार कर रहा हूं, छोटे बच्चों को, फिर आचार्य कुलम में, फिर गुरुकुल। बहुत बड़ी बात है अभ्यास, अभ्यास, एक एक अभ्यास को अच्छा बनाओ, हमारे बोलने का, हमारे सुनने का, हमारे खाने का, हमारे पीने का, हमारे बैठने का, सबका अभ्यास अच्छा। अभ्यास की एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभ्यास की। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन थोड़ा सा उसको आप डिफरेंट उसमें परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो पता लगेगा, व्यक्ति अपनी पूर्णता और दिव्यता भी नहीं जीता, उसको भगवान ने सब कुछ दिया, एवरीथिंग इनसाइड, वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, अनलिमिटेड पावर, पीस इनसाइड, हमारे पास सब कुछ है, आदमी पता नहीं क्यों नहीं जीता इसे, बार बार दुखी होता रहता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, भगवान ने कितना बड़ा सौभाग्य दिया, भगवान ने हमको इंसान बना के दुनिया की सारी दौलत दे दी, भगवान ने हमको इतनी दिव्यता दी है। गॉड इज the human being is the ultimate creation of God on the earth, on the universe. इस ब्रह्मांड में भगवान की सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंची रचना क्या है? मनुष्य। और मनुष्य को भगवान ने सब कुछ दे रखा है, और वो अपनी आत्मचेतना में, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी दिव्यता में, अपनी पूर्णता में नहीं जीता। ये सबसे बड़ी समस्या है, सब अपने अपनी दिव्यता में जिए तो कोई समस्या ही नहीं। तीसरी समस्या, एक के बाद दूसरी, तीसरी, व्यक्ति यदि पूर्ण निष्ठा, ज्ञान, अब ऊपर से नीचे तक ये तीन ही चीजें, या ज्ञान है, या शक्ति है, या निष्ठा है, तीन ही तत्व हमारे पास, वो कुछ नहीं है, बात को कहने का तरीका होता है। पूर्ण ज्ञान और नॉलेज, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विवेक, पूर्ण पुरुषार्थ और पूर्ण निष्ठा के साथ यदि काम करे तो दुनिया एक दिन में स्वर्ग बन सकती है, एक दिन में, एक दिन में स्वर्ग। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करता, तो कितना ज्ञान दे रखा है, इतना ज्ञान दे रखा,
ये तीन बातें हो जाए सच में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दुनिया में, कोई समस्या नहीं रहेगी। तुम कह रहा था एक एक बात बहुत गहरी है, जरा सुनते भी जाना और विचार करना। सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करना, अब मैं पहले अभ्यास की बात कर रहा हूं, सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करना, रोज एक घंटा योग अभ्यास करना, एक घंटा नहीं तो आधा घंटा करना, आधा घंटा नहीं तो 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, ये दो जरूर कर लेना। और बड़े बाबा इतना भी ना कर पाए तो फिर मरने के लिए तैयार। ये मरना ही तो है, बीपी हो रखा है, शुगर हो रखा है, मोटापा हो रखा है, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, ऊपर से डकार मारते हैं, नीचे से पटाखे छोड़ते रहते हैं, शरीर की चमड़ी खराब हो जाती है, ब्लड विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी है, फिर जो है बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, दिमाग ठीक नहीं है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, गुस्सा बहुत आता है। एक घंटा योग कर ले, आधा घंटा कर ले, 5-5 मिनट कर ले। जो कपाल भाति नहीं करेंगे पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर होने वाला है, PSA लेवल बढ़ेगा और बुढ़ा मरेगा। सच्ची बता रहा हूं, जो भी पुरुष कपाल भाती नहीं करेंगे प्रोस्टेट कैंसर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। MD एंडरसन में तो हमारे डॉक्टर जॉन ने सब कुछ देखा है, क्यों जी? प्रोस्टेट कैंसर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन जेंट्स, प्रोस्टेट कैंसर, लेडीज यूट्रस ओवेरियन कैंसर। सुन लो माता, बहुत अच्छी हुआ सारे परिवार को चलाती हूँ, सारी बहुत अच्छी हुआ, लेकिन तुम अपने पेट की कोई एक्सरसाइज नहीं करती, इसलिए मैक्सिमम लेडीज को आजकल यूट्रस नफायस और पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये तमाम तरह की माताओं बहनों को 80% करीब यूट्रस रिमूव कराना पड़ता है। क्यों? आपको मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम होता है, मेनोपॉज का प्रॉब्लम होता है, HRT पर जाना पड़ता है, तो तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है। कपालभाति कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये छोटी छोटी बातें, ये सारी लाइफ थी। मैं 9 साल की उम्र से आज तक एक दिन भी मैंने योग को नहीं छोड़ा, आपको भी मैं ऐसे देखा हूं। 9 साल की उम्र से मैं आज तक डेली योग करता हूं, तो क्या मैं इससे कोई मेरी हानि हो गई? एक घंटा, अरे एक घंटा योग करने से 6 घंटा नींद बहुत अच्छी आती है, 5 घंटे में गुजार हो जाता है, और 16 to 18 hours आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, और जो काम आप 100 दिन में करते हैं वो काम एक दिन में कर लेते हैं। लोग पूछते बाबा जी आपकी सक्सेस का राज क्या? मैंने कहा एक तो योग है और दूसरा मैं भगवान के ऊपर भरोसा करता हूँ, तो मुझे ना भगवान इतना नॉलेज देते हैं, दूसरे जब तक सोचते उससे पहले तो मैं कर देता हूं। ये तो सक्सेस का राज है दुनिया में, सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए और आप उसको एग्जीक्यूट कर दे तो आप दुनिया में सबसे आगे रहे। और मैं आपको थोड़ा मजाक भी लगेगा और ये हकीकत भी है, योग में आयुर्वेद में स्वदेशी में सेवा में बाबा रामदेव आगे रहने वाला है, क्योंकि मेरे साथ भगवान है, सबसे पहले मुझे ज्ञान देता है और करने की ताकत प्रेरणा देता है, मैं कर देता हूं और कुछ नहीं है। मैं अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ता और भगवान तो कसर छोड़ता ही नहीं है, मैं अपने भीतर आलस्य नहीं रखता और परमात्मा देने में कोई कमी नहीं छोड़ता। तो सुनो एक चीज, सुबह जल्दी उठने का अभ्यास, योग करने का अभ्यास करो, कम खाने का अभ्यास करो, जो चीज बहुत खाने में अच्छी लगे उसको मुंह में डाल के 5 मिनट तक नीचे निगलो ही मत, बोले ले ले जितना मजा लेना है, अगला मत मांगिए,
किसी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता हो ना, तो मुंह में रख करके और थोड़ी देर चुपचाप उसका मजा ले और अपनी जीभ से बोलो जितना मजा लेना ले ले, क्योंकि जीभ पेट होता है तो मोटा यहां से होता है, तो कुछ दिमाग में गड़बड़ी होती थी यहां होती है, हार्ट में गड़बड़ी होती है, जीभ का कुछ नहीं बिगड़ता। और जो घाटी से नीचे उतरा सब माटी हो जाता है, स्वाद खाली यहां आता है, तो यहां यहां स्वाद लो ना, इस पेट को क्यों मुसीबत कर रखी। बोले बाबा जी चेहरा वो मन नहीं भरा, इस ये एक तरीकी बता रहा हूं आपको, स्वाद पर विजय मानी है ना, तो कोई भी चीज जो स्वादिष्ट लगती है ना उसको थोड़ी देर मुंह में रखो, ले मत नीचे नहीं जाएगा, नहीं ले ले, क्योंकि फिर दोबारा आएगा तो प्रॉब्लम है ना। ए सुन लो मोटो मोटो, आज से अपनी जीभ को बोले जो मजा लेना है यहां ले, यहां परेशान मत कर, क्योंकि मैंने देखा जो ज्यादा खाते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, कहीं को तो मैं देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है, 5 मिनट में तो पूरी 2 किलो की थाली साफ। योग करने का अभ्यास, कम खाने का अभ्यास, खुश रहने का अभ्यास। अच्छा बताओ, मैंने आपको इतनी देर तक हंसाया, आपको कुछ इसमें कुछ खर्च करना पड़ा, कुछ पेमेंट की, कुछ आपको इसमें कुछ लगा, सत्ता संपत्ति कुछ भी लगा इसमें, कोई कुछ चाहिए, खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए बस हम अपने आप ही में रहे। अपने बड़े बुजुर्ग कहा था, बोला आपका मत खो भाई, अपने आप ही में रहो, और खाने की 1 घंटे बाद पानी पियो, भोजनान्ति विश्रामवारि, खाने की कितनी देर बाद पानी पीना, ये हेल्दी लिविंग्स की कुछ टिप्स हैं, 1 घंटे बाद पानी, और दूध के साथ नमक वाली चीजें मत खाओ, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध पियो खाने के 1 घंटे बाद, और जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, और जितना हो सके उतना कच्चा खाओ, पक्का खा करके तुम एकदम पक गए हो, सड़ गए हो, बांस आती है चारों तरफ से, इधर से बगल उठाए तो बेहोश हो जाए, किसी किसी के इधर भी पैर मोजे से, घर से घर में मोजा निकालते तो बांस आती है उसमें, ज्यादा देखो कच्चा जितना खाओगे, सलाद फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ ना, बहुत अच्छा है, और जितना ज्यादा कच्चा खाओगे सलाद आदि खाओगे उतना ही, इसको आजकल बोला जाता है फूड साइंस में लाइव फूड, लाइव जानवर मारते हैं तो लाइव कहाँ रहते, तो मुर्दा खाते हो, मुर्गा नहीं खाते, क्या खाते हो, मुर्दा। शमशान में मैंने देखा सारी दुनिया डरती है, ये ईसाई हो मुसलमान हो, कब्रिस्तान में जाने से डरते, मुसलमान ईसाई कब्रिस्तान में जाने से डरता है, हिंदू शमशान में जाने से डरता है, और अपने घर को अपनी रसोई को कब्रिस्तान, अपने पेट को कब्रिस्तान बना लेता है। क्या खाते रहते, कोई अंडा भी मत खाए, कुछ कहते बाबा जी अंडा में तो जीव नहीं होता, मैंने कहा जीव नहीं होता तो क्या होता है, अंडा क्या होता है, ये मुर्गी का मिश्रेशन होता है, वो अंडा भाई, आप लेडीज को जो अंडा निकलता है महीने में एक बार वो छोटा होता है, ये मुर्गी का अंडा ही तो है, ओवम ही तो है, वो बस वो लेडीज वाला छोटा होता है, वो मोटा होता है, तो तुम मुर्गी का मिश्रेशन खा रहे हो, और चलो ये भी नहीं समझ में आता हो तो अगली साइंस बता देता हूं, आदमी के लैट्रिन और पेशाब के रास्ते से कोई भी बढ़िया चीज नहीं निकलती, ये मुर्गी के पीछे से निकलता है, और इसमें प्रोटीन बताते हैं, प्रोटीन नहीं पोटी होता है, मुर्गी का गू खा रहे, और इसको प्रोटीन बता रहे, तब चलेगा।
पहली बार जब सुना आमलेट, हमने सोचा कोई आम की चीज होगी, हमने खाया नहीं, फिर भी मैंने कभी आमलेट होता क्या, ना उसमें आम ना कोई लेट फोट मुर्गी। पहले हम छोटे बच्चे थे तब सुना करते थे ए गू खाने के, सच्चे गू कोई खाने की चीज है, हमने बड़े आकर के देखा ओहो हो ये पढ़े लिखे लोग गू खा रहे और उसमें प्रोटीन बता रहे। सच में इस अंडे से कुछ लोगों को ऐसी गलत फहमी है कि इसमें प्रोटीन होता है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है। अंडे से हाइपरटेंशन, अंडे से हार्ट अटैक, अंडे से कई तरह की बहुत फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, और जो मुर्गी की सारी बीमारियां आदमी को तो हो ही जाती है, क्योंकि मुर्गी का वो एक अंश है और मुर्गी को होने वाली सारी प्रॉब्लम्स आदमी को हो जाती है। तो भैया सुबह तो कम से कम एक जैसा अनाज मत खाया करो। आजकल एक और चल पड़ा है साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, गुजराती फूड, राजस्थानी फूड, सारे फूड खाया करो, मतलब बदल बदल के खाओ। कुछ लोगों ने एक जैसा खाने के आदि हो गए, अलग अलग तरह के ग्रेन्स, अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स, अलग अलग तरह के फूड्स, तो इससे क्या होगा संतुलित भोजन होगा, ठीक है। तो वैसे फूड साइंस तो बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा सा बताया है मैंने आपको। चबा चबा के खाया करो, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है पहले दिन से कॉन्स्टिपेशन खत्म, फर्स्ट डे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक की बड़ी प्रॉब्लम्स है, चबा चबा के खाना शुरू कर दो, पहले दिन से गोष्ठी खाओ, कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए घड़ी देख करके खाएगा, और आपको पता लगेगा 5 से 10 मिनट में सबका भोजन चिपट जाता है, आधा घंटा। और जो भी खाओ ना लिक्विड हो जाए चबाते चबाते, पहले दिन से कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या है। और उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब मिलेंगे आपको, जब उसको चबाते हो ना स्लाइवा मिलता है, सब चीजें मिलेंगी उससे, चबा चबा के खाओ। फिर तो बाकी बीमारियों के बारे में मेरे अलग अलग वीडियोज है ना यूट्यूब आदि पर, आस्था चैनल देखते हो? देखा करो, इंडिया में तो फ्री मिलता है, यहाँ थोड़ा पैसा पे करना पड़ता है, तो कर दिया करो, कहाँ कमा के ले जाओगे क्या अच्छी चीजें सब्सक्राइब करनी चाहिए हमको। और फिर आप मेरे से हमेशा जुड़े रहना चाहते हो कि नहीं? इतने धीरे से क्यों बोल रहे, जुड़े रहना चाहते हो ना? तो वैसे तो मेरा कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरा फेसबुक का अकाउंट बहुत बड़ा है, तो करीब अभी 80 लाख लोग हो गए हैं उसके ऊपर। तो आपका तो साथ होना चाहिए, तो कल से सब जो है मुझे, आप मुझे लाइक करते हैं कि नहीं करते? करते? तो यदि आप मुझे लाइक करते हो तो ये तब पता लगेगा जब आप मुझे फेसबुक पर भी लाइक करोगे, मैं ना लाइक तो नहीं हूं ना। तो आप जो है कल से मुझे किस पर लाइक करेंगे? फेसबुक पर, ट्विटर पर, ट्विटर पर भी मेरे 6 लाख से ज्यादा है, और आचार्य वार्षिक जी को भी फॉलो किया करो, उनके भी करीब 40 लाख से ज्यादा है, और वो हम दोनों अलग अलग तरह के आपको सामग्री देते रहेंगे, योग की, आयुर्वेद की, सोशल, पॉलिटिकल, बाबा मैं तो सब कुछ है, तो आपको सब कुछ अच्छे अच्छे चीजें अपग्रेड करते रहेंगे। तो आप फेसबुक, ट्विटर पर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भी जरूर फॉलो करना और लाइक करना, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, तो वो हमारी सोशल मीडिया में भी वो लाइकिंग होनी चाहिए। देखो अच्छे लोगों की ताकत बढ़नी चाहिए और बुरे लोगों की ताकत घटनी चाहिए, अभी भी। और जो है अभी हम पतंजलि आयुर्वेद को तो बहुत आगे लेके जा रहे हैं, अभी हमने करीब 250 करोड़ रुपये खर्च कर दिया, करीब 250 करोड़ रुपये और खर्च करेंगे। आगे हमारा सपना है कि हम हर साल कम से कम 1000 करोड़ रुपए तो आयुर्वेद की रिसर्च पे खर्च करेंगे, वो हमने काम शुरू कर दिया, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा, माने
गवर्नमेंट के पास तो पता नहीं है या नहीं है, आयुर्वेद में जड़ी बूटियों में रिसर्च करने के लिए अभी करीब 60,000 जड़ी बूटियों के ऊपर श्रद्धा आचार्य बाटशी जी ने एक वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया लिखा है। पूरे वर्ल्ड में करीब 4,00,000 जड़ी बूटियों के पौधे मिलते हैं, उसमें से 60,000 हर्बल प्लांट्स के ऊपर ये वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, और उस पर रिसर्च का काम। हमें अब गाय पर भी रिसर्च कर रहे हैं जो 3 से 5 किलो दूध देने वाली है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, फिर सीमेन सिलेक्शन, ब्रीड सिलेक्शन, इस तरह से और उनको अच्छा फीड करना, ये सब करके जो हिंदुस्तान में 305 किलो दूध देने वाली गाय है वो देसी नस्ल की गाय, चाहे वो राठी है, चाहे साहिवाल है, चाहे थायपारकर है, गिर है, वो गाय जो 3 से 5 किलो दूध दे रही है वो गाय आने वाले 3-4 सालों में आपको हिंदुस्तान में वो गाय हम पैदा कर देंगे जो 50-60 किलो दूध देगी देसी। ये काम हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये मैं कोई काल्पनिक बात ही नहीं कर रहा हूं, जो हम कर रहे हैं वो बता रहा हूं आपसे। फिर हम आगे सपना है हमारा करीब 500 आचार्य कुलम खोलने का, और उस पर काम शुरू हो चुका है, काफी जगह खोल चुके हैं, काफी जगह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, काफी जगह जगह का सिलेक्शन हो चुका है। और अभी तक हम मैकाले की शिक्षा पद्धति से पढ़ा रहे थे अपने हिंदुस्तान में, अभी हमने मोदी जी से कहा मोदी जी बाकी तो देश के लिए आप अच्छा जो कर रहे हैं आप करें, हम सबकी इच्छा है, हम सबके संकल्प है, हमारी शुभकामना है कि आप देश के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक काम हमारे लिए पता कर दो कि हम एक वैदिक एजुकेशन बोर्ड बनाना चाहते हैं जिससे कि हम बच्चों को वैदिक एजुकेशन और लेटेस्ट न्यू मॉडर्न एजुकेशन, न्यू साइंस, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज, सारी चीजें हम उन बच्चों को दे सकें, सारी दुनिया के साथ भी हो, दुनिया में भी सबसे आगे हो, समृद्धि में भी और अपने वैदिक नॉलेज में भी सबसे आगे हो। इसके लिए वैदिक शिक्षा बोर्ड का प्रस्ताव हमने दिया है प्रिंसिपली आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय श्री हमारे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने सबने एग्री कर लिया है। बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर वैदिक एजुकेशन बोर्ड बन जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति। ये काम बहुत अरसे से चल रहा था, मैं आपके इस दौरान बीच में आ नहीं पाया था तो आपसे बता नहीं पाया था, इसलिए आपसे बता दिया। 500 स्कूल बनाना, फिर जैसे कि अभी यहाँ पर मंच पर भी कह रहे थे हमारे डॉक्टर जवान और सभी आप सबके सहयोग से, हम अभी मैं रेणु बहन जो हमारी जो है चांसलर है इधर शेषर यूनिवर्सिटी की, तो उनसे भी हमने बात की, यहाँ के भी सब भाइयों का आपका सबका सहयोग लेंगे, जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं उनको भी हम सहयोग में लेंगे, और करीब 1,500 एकड़ जमीन पर हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएं, और उसमें खाली एरिया और कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से नहीं, उसमें सारा एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है वो भी वर्ल्ड क्लास हो, सब तरह से सारी उसमें फैकल्टी, सारे जो है नॉलेज की दृष्टि से, साइंस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, सब चीज़ों की दृष्टि से। तो अभी हमारे सब बच्चे इधर अफ्रीका में आके पढ़ते हैं, हमारा बहुत सा पैसा तो एजुकेशन में इधर ही आ जाता है, तो ठीक है इधर थोड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इधर ह्यूस्टन में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, तो ठीक है हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के भी हमारा सपना है कि पहले जैसे नालंदा और तक्षशिला में पूरी दुनिया के लोग आकर के पढ़ा करते थे, ऐसे ही नया विश्वविद्यालय एजुकेशन रिसर्च और अनुसंधान गो संवर्धन, फिर इसी तरह से कई प्रकार की संस्थान की संगठन की सेवाएं, गरीबों की सेवा के काम, अनाथों की, विकलांगों की, जो कुष्ठ रोगी बच्चे हैं उनकी अलग अलग तरह की सेवा के काम हम कर रहे हैं, और वो आप बीच बीच में देखते भी रहते हो, तो इन ये काम हम कर रहे हैं। और इसमें 2 काम हम यहाँ भी बहुत जल्दी अब करना चाहते हैं, अब काफ़ी देर के बाद हम इधर आए हैं तो अब आगे से देखो इस चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है ना, तो 2 काम आप करना, एक तो इधर हम जो उधर हम आचार्य कुलम बना रहे हैं तो इधर भी वैदिक शिक्षा और यहाँ की जो मॉडर्न जो एजुकेशन है पूरी की पूरी वो हम उन बच्चों को देंगे, और यहाँ पर भी हम आचार्य कुलम बनाना चाहते हैं इससे कि वैदिक स्कूल, वैदिक और मॉडर्न दोनों हम दे रहे हैं। एक अकेला नहीं, अकेले से बात नहीं बनती है, अकेला आत्मा और अकेला शरीर कुछ नहीं करता है, अकेला शरीर भी बेकार, अकेला आत्मा तो फिर कहीं और ही जाके बच जाएगा, इसलिए अकेला अकेला कुछ नहीं दोनों। और दूसरा जो अपने पतंजलि योगपीठ की योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, तमाम जो होलिस्टिक अप्रोच है अपने ट्रीटमेंट की, तो यूएसए, कनाडा और सब जगह पूरे
यूके यूरोप इधर भी इसका मुख आगे बढ़ाना है, और इसमें कुछ आगे तो अभी यहाँ पर भी जो है पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट जो अपना यूएसए है पीटी जो है यूएसए के साथ भी आप जुड़े उस काम को अभी जो बीच में, क्योंकि हमने बहुत सारे काम एक साथ हाथ में लिए हुए थे, अब इसके ऊपर पूरी तरह से हमने आप अपने आप को फोकस किया है, तो आप भी इसमें पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे मुझे पूरा विश्वास है। और यहाँ एजुकेशन के फील्ड में पहले ही आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमें बहुत गौरव है आदरणीय दुर्गा जी जो यहीं पढ़े जो है अपने ये ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में ही, और अब एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और हमने कहा है कि अब दुर्गा जी जो है इनसे हम अब इंडिया में भी हम सेवा लेंगे, तो एक बार जो पिछले 40 वर्षों से जिन्होंने अपने भारत का और भारतीयता का बहुत गौरव बढ़ाया दुर्गा अग्रवाल जी के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एजुकेशन के लिए तो कुछ भी करने के लिए यहाँ एजुकेशन बोर्ड अपने जो यहाँ जो भी गवर्नमेंट की जो यहाँ पर जो कमेटी होती है उसके अंदर भी हैं वो, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी पतंजलि योगपीठ का जो है काम अभी जमीन तो अपनी हो ही गई थी पहले, यहाँ कितनी जमीन है भाई? ओ काफी बड़ी है, करीब 100 एकड़ है, 99 एकड़ की 95 जो भी है, तो अब इसका भूमि पूजन काफी पहले हो गया था, तो 95 एकड़ लैंड है, तो उसमें पहले एक नॉन रेजिडेंशियल शुरू कर देते हैं, फिर रेजिडेंशियल स्कूल और पतंजलि की सारी गतिविधियां अब बहुत जल्दी है अब यहाँ भी शुरू करनी है, बहुत दिन हो गए अब इसको शुरू करना है। इसमें आप सबको भी बहुत तेजी से आगे इसमें लगना है। देखो मैं कभी थका नहीं, रुका नहीं, आगे लगा हुआ हूँ, तो और भारत में इतने बड़े बड़े काम करने हैं, तो यहाँ एक दो काम आप भी तो अपने हाथों में ले लो, और एजुकेशन तो बहुत बड़ा काम है। देखो बाकी जितने भी मंदिर आदि हैं सब ठीक काम कर रहे हैं, वो अपने अपने जगह पर, देखो यहाँ भी अपने जो है कितनी सुंदर हवेली है श्रीनाथ जी की, सारे अपने बहुत सुंदर सुंदर काम यहाँ हो रहे हैं, लेकिन एजुकेशन ये बहुत बड़ा काम है, ये आगे आने वाली पीढ़ियों को बनाने वाला काम है। इस ये सर्वेषां एव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते, सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा काम यदि धरती पर है तो शिक्षा का और विद्या का काम है, एजुकेशन का काम। तो इसमें आप लोग कंट्रीब्यूट करें, पतंजलि के जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, अब आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। मैंने अभी आपको आधे प्रोजेक्ट्स बताए हैं, ये दो प्रोजेक्ट्स अभी मैंने बोले एजुकेशन का, और इसके साथ में जो अपने हॉलिस्टिक जो हीलिंग का ट्रीटमेंट का, तो ये बहुत दो काम तो तुरंत अपने को करने ही है। आगे और भी कुछ बड़े काम करने हैं योग के फील्ड में, कुछ बहुत बड़े काम हमने प्लान किए हैं, तो उसको आगे बताएंगे। तो जितने भी वॉलेंटियर्स हैं और टीचर्स हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और उसमें हमारे जो बड़े हैं चाहे ब्रह्म अग्रवाल जी हैं, रमेश जी हैं, हमारे जुगल जी हैं, अमृत जी हैं, और संजीव जी हैं, गोविंद जी हैं, किस किस का नाम बोलूं, सब हमारे छोटे बड़े वॉलेंटियर्स हैं, हमारी जो है माता जी हैं, सब इंदिरा जी, तमाम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और शेखर को तो हमने गोदी ले रखा है तरह से, तो एक बार शेखर के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। नीरू हो सकता है थोड़ा कभी कभी परेशान हो जाते होगे कि ये मेरे के बाबा पल्ले पड़ गया, तो ये भी कोई आत्माओं का प्रारब्ध होता है, लेकिन नीरू भी बहुत साथ देती है, तो एक बार शेखर से ज्यादा नीरू के लिए आशीर्वाद है, क्योंकि वही वो साथ ना दे तो शेखर कैसे काम कर पाए, बड़ा काम करना है। तो सभी हमारे जो है चाहे हमारे एक वो जो है हमारा बहुत काम करता है विजय, अभी भी इधर उधर दौड़ रहा होगा कहीं, उसके पैर में चक्कर लगा रहता है, विनय फलोर है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान रुद्रा जी, हमारे शरद जी, अमित जी हैं, ग्रीसी डॉक्टर सेन पाठक जी, कितने उनके नाम बोलूँ,
तो सब बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं। आप सबको तो मैं तो अपना ही मानता हूँ और आप भी मुझे अपना ही मानते हो, और हम सब मिल करके बहुत बड़ा काम इस धरती पर जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां कहें कि हमारे पुरखे हमारे लिए बहुत अच्छा करके गए, कुछ ऐसा करके हम जाना चाहते हैं। तो आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपने अपने फील्ड में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, इस अमेरिका की समृद्धि बढ़ाने में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि करीब 40-50% टैक्स तो देते ही हो, ईमानदारी से देते हो, तो थोड़ा हमारी तरफ भी खिसका दो, 5-10% इधर भी कर दो, 1% भी करो, शुरुआत करो, थोड़ा थोड़ा दान देने का अभ्यास करना चाहिए। और मैं मांगने का इसलिए अधिकारी हूँ, मैं नहीं कहता कि माया बेकार है, सब मेरे को दे दो, मैं ये कहता हूँ हमने जो कुछ हमें दान में मिला, जो कुछ हमने स्वदेशी की सेवा, अलग अलग जो भी हम काम कर रहे हैं, वो 100% हम सेवा के लिए कर रहे हैं। तो जब हम 100% कर सकते हैं तो आप 1-5% से तो सेवा शुरू कर ही सकते हैं। तो आप बहुत अच्छी सब सेवा कर रहे हो, और अब तो टाइम भी बहुत हो गया, 9 बज गए ना, तो अब तो घर वाले भी इंतजार कर रहे हो क्या, कहीं पर सोच लें कि कहीं बाबा जी ने तो सबको हरिद्वार ले गए तो नहीं चले गए। हमारी संगीत वाली बहन और भाइयों ने भी बहुत अच्छी सेवा दी, एक बार इनके लिए भी लौट रहा था। हमारे स्वामी ब्रह्मदेव जी जो है पूज्य महेश महर्षि महेश योगी जी के साथ बहुत बड़ा काम किया और अभी भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कहीं हॉलैंड में से लेकर के अमेरिका से लेकर के और अलग अलग जगह पर। भीष्म अग्निहोत्री जी वो तो हमारे बहुत ही तेजस्वी, एक बार भीष्म अग्निहोत्री जी के लिए भी बहुत बहुत हमारा प्रणाम है। कितने हमारे भाई बहन सब लगे हुए, तो आप सब भी आगे भी लगे रहना। और मैंने कहा पतंजलि पीठ ट्रस्ट अब यहाँ USA के साथ और फेसबुक ट्विटर पर भी फॉलो करते रहना, तो आगे बड़े काम अपने को करने हैं। शायद ब्रह्म जी कुछ आए हैं, आजा आजा आजा।